नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने लग गई है बोलेरो की मैक्सी, जो कि अभी जस्ट इसको लॉन्चिंग हुआ है आनंद मोटर्स में। और आज के इस वीडियो पे हम इस गाड़ी का फुल डिटेल करेंगे, फुल वॉक अराउंड बताएंगे और उसमें क्या टॉप 10 फीचर्स है सभी कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। और क्या डाउन पेमेंट की फैसिलिटी, क्योंकि अभी है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहां पे आजादी का अमृत महोत्सव में आनंद मोटर्स में फाइनेंस की क्या फैसिलिटी है, क्या ऑफर है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारा थोड़ा सा भी मेहनत आपको दिखता होगा ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए सर को बुलाते हैं और जानते हैं सर से इस गाड़ी की क्या है बेस्ट फीचर। तो हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, तो चलिए भी सर से जानते हैं कि इस गाड़ी का क्या मेन मेन फीचर्स है। तो सर बताइए क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले तो पिकअप गाड़ी, इसका नाम मैक्स पिकअप 3000 सिटी पिकअप नाम है, ठीक है ना। सबसे पहले कि देखिए, ये पहले के जैसा ही महिंद्रा का जो सिग्नेचर ग्रिल है उसको बोल्ड लुक में दिया है, साथ ही साथ मैट ब्लैक कलर दिया है। तो गाइस, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने देसी भाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो गाइज, अगर इसके ओवरऑल लुक की बात कर लेवे ना, तो आपको यहाँ पे फ्रंट में देख रहे हैं सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिल जाता है, जो कि मैट ब्लैक के फिनिशिंग में है। और यहाँ पे आपको महिंद्रा की वही पुरानी वाली बैजिंग, जो कि क्रोम की फिनिशिंग में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है ये गाड़ी में। और अगर बात कर लेवे यहाँ पे लाइटिंग की, तो ये आपको हेलोजन हेडलाइट के साथ मिलेगा, साथ ही साथ आपको बल्ब में इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। अगर गाड़ी के लुक की बात करें ना, तो फर्स्ट में जो इसका लुक है ना, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये गाड़ी में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता है, और साथ ही साथ मैक्स का बैजिंग क्रोम की फिनिशिंग में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके लुक को इन्हेंस करता है। और साइड में एक फुली आपको पैनल मिल जाता है, जो कि अभी ये आपको जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं ना, वो इसका बेस मॉडल है। और गेट का जो हिंचेज है ना, वो आपको दोनों साइड बाहर से मिलेगा। और यहाँ पे बोलेरो मैक्स पिकअप का एक बैजिंग मिल जाता है, जो कि क्रोम और रेड के फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। तो अब देख सकते हैं ये गाड़ी का लुक, मतलब क्या ही बताएं हम, काफ़ी बेहतरीन लगता है। ओवरऑल अगर इस गाड़ी की हम टोटल लेंथ के बारे में बात कर ले ना, तो 4925 mm की टोटल लेंथ है। और वहीं अगर इसके मीटर कंसोल की बात करें, तो जैसा कि अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये गाड़ी आपको अब फुली डिजिटल मीटर में मिलेगा। यानी पहले की जो गाड़ी थी ना, उसमें आपको एनालॉग मिलता था, लेकिन अब ये गाड़ी फुली डिजिटल हो गई है। साथ ही साथ मैप नेविगेशन का फैसिलिटी, और इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक GPS मिलता है, यानी गाड़ी आपका कहाँ पर है आप वो सब चीज़ देख सकते हो। सीट का जो कुशनिंग है ना, काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पे लेदर का यूज़ कंपनी कर देती है। साथ ही साथ ड्राइवर सीट के बाद आपको दो सीट और मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी चौड़ी चौड़ी सीट्स है। और बात कर ले यहाँ डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी आपको मैट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में काफ़ी बेहतरीन, नीट और क्लीन मिलेगा। साथ ही साथ म्यूजिक सिस्टम का भी सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। मैनुअल ORVM मिलेंगे, यानी ऑटोमेटिक नहीं है। साथ ही साथ दो वाइपर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का इस गाड़ी में कंपनी यूज़ कर देती है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी का टोटल पेइंग लोड्स क्या है, यानी इस गाड़ी पे आप टोटल कितना सामान वेट कर सकते हो। सबसे पहले टायर की बात कर ले, तो यहाँ पे आपको 15 इंच में ट्यूब वाली टायर मिल जाती है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें, तो रिजिड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर देती है। अब हम बात कर रहे थे इस गाड़ी के ओवरऑल लुक की, तो सबसे पहले अगर इसमें हम पेइंग लोड के बारे में बात करें ना, तो पेइंग लोड इस गाड़ी का 1200 kg है। यानी आप इस गाड़ी को 1200 kg तक आप इसमें सामान एडजस्ट कर सकते हो। 1200 kg का लोड्स आप इसमें कैरी करके काफ़ी अच्छे तरीके से आप शहर में चल सकते हो। और वहाँ पर आप देख सकते हो ना, रियर ग्लास स्लाइडर मिलेगा, जो कि अगर ड्राइवर आगे है ना, तो उसको पीछे देखने में काफ़ी आसानी होगी और अपने जो व्हीकल है उसको इजीली वे में उसको ड्राइव कर सकता है। साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी चेंजमेंट क्या है कि इसके पीछे साइड में अभी तक बल्ब में टेल लाइट आता था, लेकिन अब इस गाड़ी में आपको LED में आपको इसका टेल लाइट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 15 इंच का स्पेयर व्हील्स भी मिल जाता है। और वहीं अगर इसके रियर सस्पेंशन की बात कर ले ना, तो रिजिड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको रियर में भी यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक फुटरेस्ट, यानी आप जैसे ही गाड़ी पे चढ़ते हो तो फुटरेस्ट मिल जाता है। इंजन की बात कर ले तो M2 DICR का 2.5 liter का डीजल इंजन मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर 65 HP की प्रोड्यूस करती है।
इंजन की कैपेसिटी की बात करें तो 2523 सीसी की इंजन है। फ्यूल टैंक की फुल कैपेसिटी आपको 45 लीटर मिल जाएगी। मैक्सिमम टॉर्क आपको 195 न्यूटन मीटर मिलेगा। वहीं पे 4 इंजन सिलेंडर के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेवे ना, तो इस गाड़ी में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। व्हील बेस आपको 3150 mm का मिल जाता है। और गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है। एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको गाड़ी